हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओपीएस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के फिजिक्स के बारे में, जिसमें आज से पहले हम लोग दो लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें थोड़ा सा जो जितना सारा डिस्कशन स्टार्ट करना था मोशन के बारे में, वो मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इन सब के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात किए हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे इस लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में, कि सबसे पहले ग्राफ में कुछ नोट्स वगैरह लिखना होता है, तो हम लोग नोट्स को लिख लेते हैं। देखिए, ग्राफ में अगर बात करेंगे, नोट लिख सकते हैं आप सब, नोट। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, या इन ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इन ग्राफ वी कंसीडर स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम थिंग्स या सेम क्वांटिटीज। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, ग्राफ में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग चीज़ें नहीं है, हम लोगों को एक ही चीज़ें मान के चलनी पड़ेगी। ये हो गया एक नंबर नोट। और दूसरे नंबर में नोट में हम लोग लिखेंगे, दूसरे नंबर में हम लोगों को लिखना है टाइम इज ऑलवेज रिटन इन एक्स एक्सिस। यानी टाइम को हम ग्राफ के कौन से एक्सिस में लिखेंगे, ऑलवेज एक्स एक्सिस, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, इधर से इधर लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं। अप डाउन जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है, और हॉरिजेंटल एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ से हम लोग एक नोट के तरह दो पॉइंट देखें, क्या था दोनों पॉइंट, एक पॉइंट आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले में। पहला पॉइंट है ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज़ को अलग अलग हम लोग नहीं लेंगे, ये दोनों एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे बाकी ग्राफ को प्रोसीड करेंगे। तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसको देखते हैं, और उसके बाद डिफाइन करने के बाद फिर हम लोग ग्राफ में चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए, व्हाट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की हम लोग बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, सिंपल सी बात है, व्हेन मोशन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देन इट इज सेड टू बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन, या व्हेन मोशन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देन इट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए, व्हेन मोशन इज रिप्रेजेंटेड विथ दी हेल्प ऑफ ग्राफ इट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इधर लिख दिया जाए कहीं पे साइड में, ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन।
ऑफ मोशन, इसको आप देख लीजिएगा, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आपके क्लास के हिसाब से जो है हम लोग कितने तरह से ग्राफ को पढ़ते हैं, या मोशन जो है कितने तरह के ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारा कुछ अभी हम लोग देख लेते हैं। तो क्लास 9 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ग्राफ को दो तरह से देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को दो तरह से देखते हैं। एक नंबर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा नंबर हम लोग जो देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दोनों को एक एक करके हम लोग को पढ़ना है और इनको समझना है, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे के जो मोशन होता है उसका इक्वेशन क्या क्या होता है, उन इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करते हैं दो तरीके से, कैलकुलस मेथड या जिसको अलजेब्रिकल मेथड भी कहते हैं, और दूसरा हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। तो पहले ग्राफ पढ़ ले, उसके बाद ग्राफिकल मेथड वगैरह समझ में आ जाएगा इजीली हमें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक नंबर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक नंबर हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम लोग बात करेंगे तो हेडिंग दे दिया जाए पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ब्रश का साइज एडजस्ट हो गया, अब हम लोग हेडिंग दे देते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक तो डिस्टेंस दूसरा टाइम। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं इसमें। ओरिजिन, एक तरफ एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ वाई एक्सिस। अच्छा, एक चीज़ नोट को आप याद कीजिए कि नोट में आपको क्या बताया गया था। नोट में आपको बताया गया था कि टाइम को हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। तो आइए टाइम को हम लोग लिख लेते हैं एक्स एक्सिस पे, टाइम लिख लिया एक्स एक्सिस पे। उसके बाद ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस के साथ टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें दूसरी तरफ क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आएगा तो लेटेस्ट सपोज अभी हम लोग बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो इसका कुछ स्लोप मिलेगा हम लोग को। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करेंगे तो स्लोप कुछ इस तरह से मिलेगा, ये जो स्लोप है स्लोप है स्लोप। अब कौन सी क्वांटिटी देगा इस पे भी आपका सवाल आता है। तो देखिए याद रखिएगा, स्लोप जो भी है उसको निकालने का तरीका, स्लोप जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है, ऑब्वियसली जैसे हमारा यहाँ पे ये एंगल रहता है तो इसका परपेंडिकुलर रहता है ऊपर वाला यानी डिस्टेंस, और बेस कौन सा रहता है, ये टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, जरा बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन बराबर होता है स्पीड। तो यहाँ से क्या मिला हमें कंक्लूजन, यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला कि जब भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे उसका जो स्लोप बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, जो भी कुछ ट्रेवल होगा वो क्या देगा, वो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी देगा। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम क्या देते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं स्पीड। यानी कि स्पीड क्या करेगा, हमें मिलेगा कब, जब एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप की हम बात करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह पूछेंगे, तो ये हम लोग आप लोग को क्या दिया जाएगा, कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, बताइए कि इसमें ये स्पीड यूनिफॉर्म है
नॉन यूनिफॉर्म है, या इस ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या चीज़ दिख रहा है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक ग्राफ जिसमें हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाया। अब यूनिफॉर्म स्पीड के बजाय नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी तो हो सकता है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो उसका ग्राफ जो है अभी आप देख लीजिए कुछ इस तरह से होगा। इनको हम कर देते हैं इरेज। मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी पहले आवर में, अगर मान लेते हैं हम लोग पहले आवर में जो है क्या हो गया, पहले आवर में ये कुछ यहाँ पहुँचा, पहले आवर में कुछ यहाँ पहुँचा, दूसरे आवर में ये फिर यहीं रह गया, तीसरे आवर में ये यहाँ पहुँचा, चौथे आवर में ये फिर वापस, मान लेते हैं कि डिस्टेंस तो वापस नहीं आ सकता, तो ये थोड़ा सा आगे गया। तो इसके हिसाब से अगर मिलाएंगे, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट में कहीं गया नहीं यहीं, तीसरा पॉइंट में यहाँ, चौथा पॉइंट में यहाँ, ये यहाँ, ये हम लोग बात कर लेते हैं, चौथा पॉइंट में यहाँ। तो इसको अगर हम लोग मिलाएं तो मिलाने के बाद हमें जो स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट का स्लोप 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो देख सकते हैं अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द स्लोप, द स्लोप इज अ कर्व लाइन, कर्व लाइन। जो हमारा स्लोप है वो कैसा होगा, वो एक कर्व लाइन होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जैसा कि आप ये जो पिंक वाला हमारा लाइन है डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं इस हिसाब से। और ये हुआ हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, एक पीडीएफ है जिसको मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरा टाइप का ग्राफ जो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ध्यान रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे जो हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हेडिंग ले लेते हैं दूसरे नंबर का, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो हमने क्या किया, एक डिस्टेंस लिया ऊपर की तरफ और टाइम नीचे की तरफ। अभी भी हम टाइम नीचे की तरफ लेंगे और जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ लेंगे। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है आपको और वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, वेलोसिटी लेना है और ओरिजिन लेना है, ओरिजिन की जगह पे यहाँ से। तो यहाँ से अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या हो गया, ओरिजिन से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम के मुताबिक वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। टाइम ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं। तो इसको हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं कुछ टाइम, वेलोसिटी यहाँ लेट अस सपोज, फिर कुछ टाइम हुआ वेलोसिटी यहाँ, कुछ टाइम हुआ वेलोसिटी यहाँ। तो इस तरह से अगर पॉइंट्स मिलाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ मिलेगा, यहाँ इस तरह से हमें मिला कोई एक लाइन। अब स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाय द वे स्ट्रेट लाइन मिला तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, ये दोनों चीज़ हम देख लेंगे। ये हमें क्या मिला, स्लोप मिला, स्लोप मिला। अब हमें ये देखना है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें देखने की ज़रूरत। तो जस्ट अभी आपको बताया गया कि स्लोप को कैसे पता करते हैं, तो स्लोप अगर हम देखेंगे, स्लोप बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी डेल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी लगा देते हैं, अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और ये
फॉर्मूला आप जब एक्सेलरेशन पढ़े थे तब आपने उन्हें देखा होगा कि एक्सेलरेशन में क्या हो गया था, वी माइनस यू अपॉन टी होता था एक्सेलरेशन का ही डेफिनेशन। तो यानी ये यहाँ हो जाएगा ए। तो ये क्या हो गया, व्हाट क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, इतना आप कह सकते हैं। ये जो स्लोप है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर होगा तो स्लोप कैसा होगा, तो फिर हमारा स्लोप कर्व लाइन होगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन हमारा स्लोप कैसा होगा, एक कर्व लाइन होगा। अगर कर्व लाइन आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो चार पॉइंट्स के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो तीन चार पॉइंट्स के बारे में हमें बात करनी है, एक नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर वन, इफ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन देन इट शोज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एक नंबर हो गया। उसके बाद इसको इरेज करके हम लोग दूसरा नंबर लिखते हैं। इफ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व लाइन देन इट शोज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा अगला वाला ग्राफ में हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तीसरा और लास्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, इफ इफ चौथा पॉइंट, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए कर्व लाइन देन इट शोज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब मैं आपके सामने एक पीडीएफ ओपन करता हूँ जिसमें अलग अलग तरह के ग्राफ कैसे रहते हैं और किस तरह से ये ग्राफ शो होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद वीडियो हम लोग करेंगे आज का ख़त्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर एक नंबर में बात करें हम लोग, इसको नंबर वन ले लेते हैं जो अभी डिस्प्ले पे है। देखिए यहाँ डिस्टेंस जो है इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज अगर नहीं हो रहा है
और हमारा टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब बॉडी क्या है, एक कह सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट नंबर वन में कोई डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, बॉडी हमारा एक समान क्या है, हमारा जहाँ था वहीं रुका हुआ है। तो बॉडी हमारे रेस्ट पे है, बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे है। तो बॉडी रेस्ट पे कैसे हो गया, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज ही नहीं हो रहा, टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं टाइम के मुताबिक, इसका मतलब आप रेस्ट पे हैं, एक नंबर। दूसरे नंबर की बात करें तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पे है, इसका मतलब यह है, देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और ये स्लोप हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो अभी हम लोग देखें ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। इसी तरह से स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यह है इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपके सामने है, ये ऐसा होगा डिस्टेंस। अभी देखिए टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सडनली टाइम क्या हो रहा है, टाइम के साथ थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेकिन ये फट से स्पीड काफ़ी बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि ये स्पीड तो है लेकिन ये स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग विथ टाइम स्लोप, ये इंक्रीज हो रहा है, यानी स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म है और इंक्रीज हो रहा है वक्त के साथ साथ। इसी तरह से देख सकते हैं डिसेलरेशन, यानी पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस टाइम की ग्राफ की बात करेंगे तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, कैसे, टाइम के साथ साथ ये काफ़ी ऊपर गया, लेकिन अब देखिए टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉडी बहुत स्लो हो गई, पहले फास्ट थी बाद में स्लो हो गई। इसके हिसाब से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी देख सकते हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इसमें, देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म, और तीसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें थोड़ा सा ऐसे ही किया, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ सीधे सीधे बिना टाइम का, शुरुआत से स्टार्ट किया, उसके बाद एक पॉइंट से, पॉइंट ए से फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये मूव करना स्टार्ट किया, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रिटार्डेशन के बारे में, यानी एक्सेलरेशन जब डिक्रीज हो रहा है, पहले वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा होते 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 क्या हो गया, फाइनली वेलोसिटी कम हो गया। तो यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।